राज के प्रायोजक है अमलतास हॉस्पिटल, साथ ही अमलतास यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्सेज भी, पीटी डिग्री कोर्स भी, एमएलटी डिग्री, डीएमएलटी डिग्री कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, अन्य सभी सेवाओं का आनंद लेने के लिए चले लिए देवास हाईवे बांगर, जिला देवास, मध्य प्रदेश। भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी पहुंचे महाकाल मंदिर नंदीहाल में बैठकर की शिव की आराधना। भाजपा प्रत्याशी सतीश मालवीय का भाजपा कार्यालय कार्यकर्ता द्वारा भव्य तरीके से स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं घटिया से पूर्व विधायक सतीश मालवीय को एक बार फिर मौका मिला है, तो तराना से ताराचंद गोयल को विधानसभा उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। इसी दौरान शुक्रवार सुबह घटिया विधानसभा प्रत्याशी सतीश मालवीय और भोपाल उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित हुए आलोक शर्मा ने बाबा महाकाल का दर्शन लाभ लिया और देश में सुख शांति तथा समृद्धि की कामना की। उज्जैन संभाग प्रभारी और भोपाल उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी आलोक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसका शंखनाद भी हो चुका है, और आज बाबा महाकाल का दर्शन लाभ लेकर देश की उन्नति की कामना की है। एक ऐसा राजनीतिक दल है कि जिन्होंने की अपने समर्पित कार्यकर्ताओं की पहली सूची जारी कर दी है। उज्जैन से हमारे घटिया जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी के एक जमीन से जुड़े हुए साधारण से कार्यकर्ता सतीश मालवीय को अवसर दिया है। हमारी जो तराना विधानसभा है, इस बार हम सबका संकल्प और रणनीति के तहत काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण से कार्यकर्ता ताराचंद गोयल जी को यहाँ से अवसर दिया है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल की जो पुराना भोपाल है उसकी उत्तर विधानसभा से एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अवसर दिया है। मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के शीर्षक नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। आज महाकाल की नगरी में आया, महाकाल बाबा से यही प्रार्थना हमने की है कि मध्य प्रदेश में पुनः 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हम सबको आशीर्वाद देना, हम सभी सदमार्ग पे चलें, हम सभी जनता की सेवा करें, इस को लेकर आज बाबा से हमने प्रार्थना की है। बाबा का आशीर्वाद आज हमको प्राप्त हुआ है, बाबा का आशीर्वाद लेकर हम जाएंगे और मध्य प्रदेश की जो भी विधानसभा है उसमें पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सब लोग काम करेंगे।